और अब बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां ग्राम चकलदी में एकलव्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई चकलदी को निजी संस्था को देने से रोकने के संबंध में छात्र छात्राओं द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को नसरुल्लागंज नायब तहसीलदार शक्ति सिंह राजपूत को सौंपा गया है। आईटीआई वर्ष 2013 से चकलदी में संचालित है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई आदिवासी जिलों के छात्र छात्राएं ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस संस्था में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के गरीब बच्चे में छात्रावास सुविधा सहित प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना भविष्य बनाते हैं। वर्तमान में नवीन सत्र से शासन आईटीआई को निजी संस्था को सौंपने जा रहा है। निजी संस्था में संचालित करेगी तो उसका शुल्क 70,000 होगा, जो गरीब बच्चे देने में असमर्थ होंगे। इसी को लेकर ज्ञापन दिया गया है। मुख्य रूप से ज्ञापन देने वाले जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 15 विजेंद्र उइके एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी युवा संगठन भीम आर्मी आर जीपीआरएस भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आदिवासी छात्र संगठन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी चकलदी की जो आईटीआई है, जो एनजीओ में जा रही है प्राइवेट संस्था में, उसके लिए आए हैं। तो क्या चाहते हैं हम लोग? हम उसको प्राइवेट से रोकना चाहते हैं, जो सरकारी संस्था उसको संस्था ही देने दे सरकारी। तो प्राइवेट हो रही है? हाँ, तो इससे प्राइवेट होने से क्या समस्या आएंगी आपको? प्राइवेट समस्या, हमें सुविधा नहीं मिलेगी ना, जो अभी सरकारी में हमें सुविधा मिल रही है वो सुविधा नहीं मिलेगी। अभी कितनी फीस लग रही है सरकारी में? अभी 5,000। 5,000 एक वर्ष के? हाँ। और प्राइवेट में चली जाएगी तो उसमें 70,000 रुपए लगेंगे। ज्ञापन किसके नाम दिया आपने अभी? एसडीएम के साथ। नहीं, किसके नाम दिया? मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री के। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो फिर आगे आप क्या करेंगे? जन आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र उइके है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ वार्ड क्रमांक 15 सीहोर से। आज आप ये स्टूडेंटों के साथ ज्ञापन देने का क्या मामला है? ये ज्ञापन, जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 32 आईटीआईओं का निजीकरण हो चुका है, जिसमें हमारे वार्ड की चकलदी आईटीआई एकलव्य जो शासकीय है उसका भी निजीकरण निजी हाथों में सौंप दिया गया है, उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है और वो निजीकरण से अगर कभी सरकारी वापस नहीं किया जाता है, तो हम पूरे जनता का सहयोग लेकर एक उग्र आंदोलन करेंगे, और आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कि वो आईटीआई पुनः जैसी थी वैसी नहीं होगी।